स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है 48 नंबर तक। अब हम लोग पढ़ते हैं 49 नंबर से, ठीक है? तो पहले मैं इसको मिटा देती हूँ। अगर आप लोगों ने लास्ट क्लासेस वाला वीडियोस नहीं देखा तो प्लीज उसको देख लेना जरूर, क्योंकि उसमें मैथमेटिकल कुछ क्वेश्चन है जो की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मैथ से रिलेटेड है, जो रीजनिंग होता है उसमें मैथ से भी रिलेटेड क्वेश्चंस होता है, इसलिए पहले आप लोग वो वाला क्लास देख लेना, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो मैथ से रिलेटेड नहीं, वो दिमाग से लगाना है। तो जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस है, जो मैथ से रिलेटेड है, वो आप लोग देख लेना है पहले, ठीक है? तो आ जाते हैं हम लोग 49 नंबर में। 49 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट हमें दिया गया है अध्यापक। फर्स्ट में लिखा गया हमें अध्यापक। अध्यापक मतलब क्या होता है? टीचर, प्रिंसिपल, ठीक है? नेक्स्ट हमें दिया गया विद्यार्थी। विद्यार्थी, ठीक है? नेक्स्ट हमें दिया गया है विद्यालय। ठीक है, और फिर हमें फोर्थ दिया गया है शिक्षक। शिक्षक मतलब क्या? टीचर। अध्यापक मतलब प्रिंसिपल, और शिक्षक मतलब टीचर जो पढ़ाते हैं आप लोगों को, और विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट्स, और विद्यालय मतलब स्कूल। तो आपको क्या लगता है, इन तीनों, इन चारों में से कौन सा एक डिफरेंट हो सकता है? हमें शिक्षा कौन देता है? हमें शिक्षा कौन देता है? कौन देता है? टीचर देता है। तो विद्यार्थी, अध्यापक क्या देता है? विद्या देता है, शिक्षा देता है, विद्यार्थी भी विद्या लेता है, और फिर शिक्षक क्या है? वो भी शिक्षा देता है। यानी कि जो विद्यालय है, विद्यालय तो कुछ नहीं देता, विद्यालय में बस हम लोग जाते हैं, लेकिन जो देता है वो क्या है, और जो लेता है, मतलब इन तीनों में लेना का भाव है, मतलब कि शिक्षा देना का भाव है, विद्या देना का भाव है, पढ़ाने का और पढ़ने का भाव है। हाँ, अध्यापक पढ़ाता है और विद्यार्थी पढ़ता है और शिक्षक भी पढ़ाता है, लेकिन विद्यालय क्या करता? कुछ भी नहीं करता। तो जो अध्यापक है, विद्यार्थी और शिक्षक है, वो क्या है? तीनों सेम है। और जो थर्ड नंबर में विद्यालय लिखा गया, वो क्या? इन तीनों में से अलग है। तो जो अलग है उसको हम लोग टिक करेंगे, ठीक है? तो ये था हमारा 49 नंबर का क्वेश्चन। आ जाते अब हम लोग है 50 नंबर का क्वेश्चन। तो देख लेते हैं 50 में क्या दिया गया है हमें। 50 नंबर में फर्स्ट है लाल लिखा गया है, ये हमारा फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर में हमें दिया गया है हरा, हरा। थर्ड नंबर में हमें दिया गया है, जो लिखा गया है थर्ड नंबर में, पीला लिखा गया है। और फोर्थ नंबर में जो हमें दिया गया है वो है रोगन, ठीक है? फोर्थ नंबर में हमें दिया गया है रोगन। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, और आपको ऐसे ही समझ में आ रहा होगा कि कौन डिफरेंट है। लाल मतलब एक रंग है लाल, हरा भी एक रंग है और पीला भी एक रंग है। रोगन क्या है? रोग है, रोगन रंग नहीं होता, ठीक है? तो लाल, हरा, पीला तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि तीनों रंग है, और जो रोगन है वो अलग है इन तीनों में से। यानी कि जो फोर नंबर है उसको हम लोग टिक करें, क्योंकि ये अलग है। तो ये हो गया हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन। तो पहले मैं इसको मिटा देती हूँ। नंबर का क्वेश्चन 51 नंबर में हमें दिया गया है फर्स्ट जो है वो लिखा गया है अंगूर, अंगूर, ठीक है? नेक्स्ट जो है हमारा वो है फल, आम, वन में अंगूर, टू में फल, थ्री में आम,
और फोर नंबर में जो हमें दिया गया है वो है लीची। तो इसमें कौन डिफरेंट है? इसको लग रहा होगा कि आपको सब तो सेम है, अंगूर, फल, आम, लीची। लेकिन जब मैं आपको बोलूंगी कि आप फल के नाम लिखो, 10 फल के नाम लिखो, तो फल के नाम में आप लोग एक बीच में फल भी लिखोगे क्या? नहीं, फल तो फल है ही, लेकिन फल का नाम ये सब दिया गया है। तो जो नाम, तीन नाम दिया गया, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि तीनों फल का नाम है। लेकिन फल तो फल होता है, फल कोई नाम नहीं होता, ठीक है? यानी कि जो टू नंबर का ऑप्शन जो हमें दिया गया वो हमारा इन तीनों में से अलग है, तो उसको हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है? तो आप लोग को भी ऐसे सोच समझ के भरना है, मतलब टिक करना ही है, लेकिन आप लोग कुछ भी टिक कर दोगे तो आप लोगों का मार्क्स कट जाएगा, है ना? इसलिए आप लोग भी अच्छे से सोच समझ के दिमाग लगाना होगा इसमें, क्योंकि ये दिमाग लगाने वाला ही पढ़ाई है, यानी कि रीजनिंग है। तो आ जाते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 52 नंबर। तो 52 नंबर में हमें फर्स्ट जो दिया गया है वो है पक्षी, ठीक है? ये है वन नंबर। फिर नेक्स्ट हमें दिया गया है जो कि है कबूतर, कबूतर, ठीक है? कबूतर भी क्या होता है? पक्षी ही होता है एक। फिर है हमारा चील, थर्ड नंबर में हमें दिया गया चील। और फोर नंबर में जो हमें दिया गया है, कौवा। अब आपको क्या लगता है कौन डिफरेंट है? सेम इसी, इसके जैसा, जैसे मैंने समझाया कि फल का बोलेंगे तो आप लोग फल के नाम लिखोगे, फल तो नहीं लिख दोगे एक एक, तो इसमें भी वही है। मैं जैसे आपको पक्षी का नाम लिखने को दूंगी, जैसे कि आप बोलोगी कि 10 पक्षी का नाम लिखो, तो आप कबूतर लिखोगे, चील लिखोगे, कौवा लिखोगे, सब पक्षी का नाम है, लेकिन पक्षी तो नहीं लिखोगे, पक्षी कोई नाम तो नहीं होता। यानी कि जो ये तीन है एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि ये सब पक्षी का नाम है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे पक्षी लिखा गया, यानी कि ये इन तीनों में से डिफरेंट है। तो जो डिफरेंट है उसको क्या करेंगे हम लोग? टिक कर देंगे, ठीक है? तो अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये 52 नंबर तक कंप्लीट हो गया हमारा। आप लोग अच्छे से ध्यान से देखना, और जो मैं समझा रही हूँ आप लोग नोट भी कर सकते हो वीडियो देख देख के, मतलब कि आप लोग कॉपी बुक में भी लिख सकते हो, ताकि बाद में जब आपको पढ़ना हो तो आप लोग उसे देख के पढ़ सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इसको मिटा रही हूँ, 52 नंबर तक हो गया हमारा। अब हम देखेंगे 53 नंबर का क्वेश्चन। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 53 नंबर। अब थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है हम लोग का क्वेश्चन। तो फर्स्ट में हमें दिया गया है इस तरह से दो एरो है जो कि ऊपर की ओर मुंह है। आप लोग ढंग से देखना, ठीक है? ये वन नंबर का पिक्चर है। अब टू नंबर के पिक्चर में हमें दिया गया है दो एरो जो नीचे की ओर दिखाई दे रहा है मुंह इसका। थर्ड में हमें एक पिक्चर दिया गया है जिसमें इस तरह से है दो एरो, दोनों एक ही तरफ दिखाया जा रहा है, ये फर्स्ट, ये फिर ये सेकेंड और ये थर्ड। और फोर्थ नंबर में जो हमें पिक्चर दिया गया है उसमें एक एरो का मुंह नीचे है और एक का मुंह ऊपर है, ठीक है? तो आपको क्या लग रहा है चारों में से कौन सा डिफरेंट होगा? तो इस फर्स्ट वाले पिक्चर में दो एरो है, दोनों का फेस जो दिया गया है वो ऊपर की ओर ही है। सेकेंड वाले पिक्चर में दो एरो दिया गया, दोनों का फेस नीचे की ओर ही है। थर्ड वाले पिक्चर में दो एरो दिया गया, दोनों का फेस सेम डायरेक्शन में है, ठीक है? ध्यान देना आपको कि दोनों एरो सेम डायरेक्शन में। और जो फोर्थ वाला पिक्चर दिया गया है उसमें क्या, एक एरो का फेस नीचे की ओर है, एक एरो का फेस ऊपर की ओर है, यानी कि डिफरेंट कौन हुआ? फोर नंबर हमारा डिफरेंट हो गया। इन तीनों में सिमिलैरिटीज क्या हुआ कि दोनों जो दो दो एरोस दिया, दोनों का मुंह सेम तरफ है, दोनों का फेस सेम तरफ डायरेक्शन है, लेकिन जो फोर नंबर का है दो एरो दिए गए, दोनों का फेस डायरेक्शन अलग अलग है, सिमिलर नहीं है बाकी से, यानी कि वो वाला क्या हो गया, अलग हो गया हमारा, तो उसको हम लोग टिक कर देंगे। तो ये 53 नंबर का क्वेश्चन हो गया हमारा। अब आ जाते हैं हम 54 नंबर वाले क्वेश्चन में।
तो 54 नंबर वाले क्वेश्चन में इस तरह से पिक्चर बनाया गया है। फर्स्ट पिक्चर इस तरह से है, सेकंड पिक्चर हमें जो दिया गया है कुछ इस तरीके से है, सेम चीज को बस उल्टा कर दिया गया है। ये वन नंबर, ये हमारा टू नंबर, फिर हम आ जाते थर्ड नंबर वाले में। ये हमारा थर्ड नंबर और ये हमारा फोर्थ नंबर में दिया गया जो पिक्चर। तो क्या डिफरेंट लगा आपको? देखो वन नंबर वाले पिक्चर में जो ये है वो इस लाइन जो है इसके अंदर है, मतलब जो ये ब्लैक कलर का डॉट दिया गया वो पैक है चारों तरफ से, है ना, फर्स्ट वाले पिक्चर में। सेकंड वाले पिक्चर में भी ये चारों तरफ से पैक है क्योंकि अंदर की ओर दिया गया है ये डॉट। थर्ड वाले पिक्चर में भी ये चारों तरफ से पैक है जो कि अंदर में डॉट दिया गया, लेकिन फोर्थ वाले पिक्चर में यहाँ से खुला हुआ है और डॉट यहाँ पे, मतलब यहाँ होना चाहिए था और डॉट यहाँ पे, यानी कि जो फोर्थ वाला पिक्चर है इन तीनों से क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, टिक कर देंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान दे के बनाना है और आपको समझ के आंसर टिक करना है। तो ये हमारा हो गया 54 नंबर का क्वेश्चन। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा, जो कि है 55 नंबर। तो पहले मैं इसको मिटा देती हूँ। नंबर का फर्स्ट पिक्चर हमें दिया गया ए, सेकंड पिक्चर हमें दिया गया बी, थर्ड पिक्चर हमें दिया गया है सी और फोर्थ पिक्चर हमें दिया गया एक ट्रायंगल। इतना सिंपल है ये, आपको बस देख के पता चल रहा होगा कि कौन डिफरेंट है। तो ए बी और सी क्या अल्फाबेट्स है और जो फोर नंबर में ट्रायंगल दिया गया वो एक शेप है जो मैथ से रिलेट करता है और ये सब इंग्लिश से रिलेट करता है क्योंकि ये सब अल्फ़ाबेट है। तो अलग कौन हुआ, फोर नंबर का जो ट्रायंगल है वो हमारा अलग हो गया। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, टिक कर देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत ही सिंपल था, इसको हम लोग बहुत ज़्यादा एलाबोरेट नहीं करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ए बी सी और ए बी और सी क्या है अल्फाबेट्स है और फोर नंबर में जो एक शेप दिया गया ट्रायंगल वो मैथ से रिलेटेड करता है तो वो अलग हो गया और ये तीनों सेम हो गया। तो जो अलग है उसको हम लोग टिक कर दिए, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 54 नंबर, सॉरी 56 नंबर। तो 56 नंबर वाले में हमें दिया गया है कुछ इस तरह से पिक्चर। फर्स्ट पिक्चर है हमारा एक स्क्वायर और उसके ऊपर से दो सीम निकला हुआ है, ठीक है। सेकंड पिक्चर है हमारा दिया गया है एक ट्रायंगल, उसमें से तीन सीम निकला हुआ है, ये वन है ये टू है। अब आप देख लेते हैं हम लोग थर्ड वाला पिक्चर, थोड़ा सा मैं बड़ा बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो ये थर्ड नंबर वाला पिक्चर है हमारा जिसमें एक स्क्वायर है और इसमें एक दो तीन चार, चार सेम निकला हुआ है, एक दो तीन चार, ठीक है। आप लोग अच्छे से ध्यान देना कि क्या डिफरेंस हो सकता है। और फोर नंबर वाले पिक्चर में जो हमें दिया गया है वो है एक इस तरीके से एक शेप है और इसमें से एक दो तीन चार पाँच, पाँच सिंग निकला हुआ, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। तो इन चार पिक्चर में आपको क्या लग रहा है कौन सा एक डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि सब में तो
अलग अलग दिया हुआ, एक में दो दिया गया है ये वाला चीज, एक में तीन दिया गया है, इसमें एक में चार दिया गया और एक में पांच दिया गया है। तो क्या आपको लग रहा है, देखो क्या देखना है, इसमें गिनती देखना है, जैसे कि इसमें फोर साइड्स है, एक दो तीन और चार, तो यहाँ पे बस दो ये वाला दिया गया है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले पिक्चर में, तो इसमें तीन साइड्स है, एक दो और तीन, और इसमें जो ये सींग निकाला गया वो भी तीन सींग निकाला गया है, ठीक है। थर्ड वाले पिक्चर में चार साइड, एक दो तीन चार, और ऊपर में भी चार दिया गया, एक दो तीन और चार, ठीक है। फोर वाले पिक्चर में एक दो तीन और चार और एक पांच, पांच साइड्स दिया गया और इसमें भी पांच निकाला गया, एक दो तीन चार और पांच, यानी कि जो फर्स्ट वाला पिक्चर में है वो डिफरेंट हो गया, क्योंकि इसमें चार दिया गया है भुजा। तो ये 56 नंबर का हमारा कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया ना आपको कैसे क्या करना था। तो यहाँ पे जो इसमें जो वन नंबर में है उसमें चार भुजाएं दी गई, लेकिन यहाँ पे दो ही लाइन दिया गया है, यानी कि जो वन नंबर है वो डिफरेंट हो गया, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग टिक कर देंगे, और बाकी सब आप लोग देख रहे हो कि जितना भुजा दिया गया है उतना ही ये लाइन ऊपर में दिया गया है, मतलब इसमें तीन साइड्स है तो तीन लाइन दिया गया, इसमें फोर साइड्स है तो फोर लाइन दिया गया, और इसमें फाइव साइड्स है तो इसमें फाइव लाइन्स दिया गया ऊपर में, लेकिन जो फर्स्ट वाले पिक्चर में इसमें फोर साइड्स है लेकिन ऊपर जो लाइन दिया गया वो सिर्फ दो दिया गया, यानी कि जो वन नंबर है वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया 56 नंबर, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 57 नंबर। तो 57 नंबर में हमें जो दिया गया है, देखिए फर्स्ट पिक्चर हमें दिया गया है, एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल के दोनों साइड में दो ब्लैक कलर का होल्स दिया गया है, ब्लैक कलर का पॉइंट्स दिया गया है, ये वन नंबर का पिक्चर है। सेकंड नंबर में हमें दिया गया है एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल के अंदर में एक डॉट दिया गया ब्लैक कलर का और बाहर एक ब्लैक कलर का डॉट दिया गया, ये हमारा सेकेंड पिक्चर है। थर्ड ऑप्शन में जो हमें दिया गया है वो है एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल के अंदर एक ब्लैक होल है और एक बाहर है, मतलब जैसा इसमें एक अंदर एक बाहर, इसमें भी एक अंदर में एक बाहर में है, और ये हमारा थर्ड नंबर वाला पिक्चर, और ये हो गया हमारा फोर्थ नंबर वाला पिक्चर। फोर्थ नंबर वाले पिक्चर में एक होल अंदर की ओर है, एक होल बाहर की ओर है, समझ में आ गया ना कौन सा डिफरेंट है। तो फर्स्ट वाले पिक्चर में दो होल्स दिया गया जो कि दोनों बाहर की ओर है, ठीक है। सेकंड वाले पिक्चर में दो होल्स दिया गया ब्लैक कलर का जो कि एक ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल के बाहर है। थर्ड वाले पिक्चर में भी एक होल ट्रायंगल के अंदर है, एक होल ट्रायंगल के बाहर है। फोर्थ वाले पिक्चर में भी एक होल ट्रायंगल के अंदर है और एक होल कहाँ है, ट्रायंगल के बाहर की ओर है, यानी कि जो फर्स्ट नंबर वाला पिक्चर है वो डिफरेंट हो जाएगा, तो उसको हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर वाला पिक्चर जो है वो डिफरेंट हो गया, तो उसको हम लोग टिक कर दिए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है 58 नंबर। तो 58 नंबर में जो पिक्चर दिया गया है वो मैं आपको बना देती हूँ पहले। इसमें एक सर्कल दिया गया है और सर्कल के अंदर सर्कल है एक और एक ट्रायंगल और एक क्रॉस का साइन है। ये हमारा वन नंबर का पिक्चर है। सेकंड नंबर वाले पिक्चर में हमें दिया गया सेम टू सेम एक सर्कल, सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल है, एक क्रॉस का साइन है और एक सर्कल का साइन है, ये टू नंबर है। थ्री नंबर वाले पिक्चर में भी सेम हमें एक सर्कल दिया गया है और सर्कल के अंदर एक सर्कल है और क्रॉस का साइन है और एक ट्रायंगल है, ये थर्ड नंबर वाला पिक्चर है। और फोर्थ नंबर वाले पिक्चर में भी हमें एक सर्कल दिया गया है, लेकिन
इसमें क्या गया, एक सर्कल ऊपर है, उसके नीचे एक ये क्रॉस है और उसके बगल में एक सर्कल है। तो आपको तो बस पता चल गया और कौन डिफरेंट है। तो देखो फर्स्ट वाले पिक्चर में एक सर्कल तो सब में तो सेम हो गया, लेकिन अंदर वाला पिक्चर, अंदर वाला जो लिखावट है यानी कि डिजाइन दिया गया, वो भी सब में सेम है, लेकिन कौन में डिफरेंट है वो हमें कैसे पता चलेगा। तो आप लोग देखो यहाँ पे एक सर्कल है, एक क्रॉस का साइन है और एक ट्रायंगल है जो कि लाइन वाइज है ना, इसमें भी लाइन वाइज है, एक ट्रायंगल है, क्रॉस, एक सर्कल है जो कि इस तरह से सेम लाइन में है, इसमें भी इस तरह से सेम लाइन में है, थर्ड वाले पिक्चर में भी इस तरह से सेम लाइन में, लेकिन फोर्थ वाला पिक्चर में क्या दिख रहा है, ऐसे है फिर ऐसे है ना, यानी कि जो फोर्थ वाला पिक्चर हो गया वो डिफरेंट हो गया इन तीनों में से। ये तीनों सिमिलर कैसे है, तीनों लाइन वाइज दिया गया है और जो फोर्थ वाले पिक्चर में वो डिफरेंट दिया गया, मतलब इस तरह से शेप में दे दिया गया, यानी कि ये डिफरेंट है तो जो डिफरेंट होता है उसको हम लोग को टिक करना होता है, ठीक है। तो जो फोर्थ नंबर है वो डिफरेंट है तो हम लोगों ने टिक कर दिया। अब ये हमारा 58 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। तो पहले जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले मैं उसको पिक्चर बना लेती हूँ। ये है 59 नंबर का क्वेश्चन। तो 59 नंबर वाले में फर्स्ट में हमें दिया गया है, ये ठीक है, ये फर्स्ट पिक्चर है हमारा। सेकंड हमें जो दिया गया है वो है, ये और जो हमें थर्ड दिया गया है, सॉरी इसको मिटा देते हैं, हम फिर से बनाते हैं। तो फर्स्ट हमें ये दिया गया, सेकंड हमें ये दिया गया है, थर्ड जो हमें दिया गया है वो है ये है, ठीक है। और जो फोर्थ नंबर पे, जो फोर्थ नंबर पे मैं यहाँ पे बना देती हूँ, फोर्थ नंबर में जो हमें दिया गया है वो है ये। तो अब इन सब में से डिफरेंट कौन सा लग रहा है आपको, इन सब में से डिफरेंट कौन सा लग रहा है। देखो जो फर्स्ट नंबर वाले पिक्चर में दो लाइन एक दूसरे को काट के जा रहा है, मतलब एक लाइन के ऊपर एक लाइन है, मतलब मान लेते ये लाइन है इसके ऊपर ये लाइन बना हुआ है, ठीक है। तो सेकंड वाले पिक्चर में भी ये लाइन है उसके ऊपर ये लाइन बना गया है, ठीक है। लेकिन थर्ड वाले पिक्चर में क्या किया गया, किसी लाइन के ऊपर कोई लाइन नहीं गया, सब सिंपल है, एकदम सरल सा गया है, ठीक है। और जो फोर्थ वाला पिक्चर उसमें भी एक लाइन है ये, उसके ऊपर ये लाइन गया है, यानी कि 1, 2 और जो फोर नंबर का पिक्चर है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करता, सिमिलर है, क्योंकि सब में दो लाइन है और दोनों लाइन एक लाइन के ऊपर एक लाइन गया हुआ है, कटा हुआ है। लेकिन थर्ड वाले पिक्चर में क्या किया गया है, कोई लाइन किसी लाइन के ऊपर नहीं कट किया गया है, एक शेप बना दिया गया है जो कि सिंपल है, किसी लाइन के ऊपर नहीं जा रहा, बस वो जुड़ रहा है दूसरे से, यानी कि 1, 2 और फोर नंबर वाला पिक्चर वो सेम है, रिलेट करता है एक दूसरे से, लेकिन थर्ड वाला पिक्चर जो है वो डिफरेंट है। तो आप लोगों को समझ में आ गया, जो डिफरेंट है उसको हम लोग खुद ही करना है, टिक कर देना है। तो 59 नंबर तक हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में फिर 60 नंबर से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और फिर आप लोग प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम्स भी आ रहा है, बहुत ही नज़दीक है, और आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये सब क्वेश्चन क्या है, बहुत दिमाग लगाने वाला है, अगर आप लोग को समझ ही नहीं आएगा तो आप लोग बनाओगे कैसे। इसलिए सारा वीडियोज़ को अच्छे से देखना और अच्छे से समझ के आप लोग सिर्फ वीडियोज़ मत देखना, कॉपी में बनाना भी, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।